राजस्थान विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में प्रत्याशी भी टिकट की दौड़ में जुट चुके हैं। प्रदेश में कई ऐसी विधानसभा है जिस सीट पर टिकट की दावेदारी करने के लिए एक दर्जन से भी ज्यादा हैं। यहां जोधपुर के सुरसागर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट 2008 के सीमांकन के बाद भाजपा के पास ही रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की महिला और वयोवृद्ध उम्मीदवार सूर्यकांत व्यास ने कांग्रेस के अयूब खान को हराकर जीत हासिल की थी, वही यहां से मौजूदा विधायक हैं। दरअसल जोधपुर के 9 विधानसभा सीटों में सुरसागर सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भाजपा की इस परंपरागत सीट पर जीत हासिल करने के लिए हमेशा से कोशिश कर रही है। इस बार सीएम अशोक गहलोत सुरसागर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत के लिए यहां से पार्टी का उम्मीदवार बदल रहे हैं। वहीं भाजपा भी सुरसागर विधानसभा सीट के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है। कांग्रेस की ओर से टिकट के उम्मीदवारों में अधिवक्ता आनंद पुरोहित, अजय त्रिवेदी, अजय शर्मा, अनिल टाटिया, पूर्व महापौर रामेश्वर दादी, नीरज जोशी, सलीम खान, जफर खान जिंदी, डॉक्टर अयूब खान, साबुद्दीन खान का नाम शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्यादातर इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। वहीं भाजपा की ओर से दावेदारों के कुछ नाम सामने आए हैं जिसमें मौजूदा विधायक सूर्यकांत व्यास, जगत नारायण जोशी, देवेंद्र जोशी, नरेंद्र खछावा, वरुण धानिया, राजेंद्र बोराणा, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा सहित और भी दूसरे नाम शामिल हैं। बता दें सुरसागर विधान सीट पर मतदाता 2,86,000 से ज्यादा हैं। इस विधानसभा सीट पर ज्यादातर मतदाता माली, ब्राह्मण, मुस्लिम, एससी, एसटी, सिंधी, जैन, माहेश्वरी, जाट, रावण, राजपूत समुदाय से हैं। सुरसागर विधानसभा सीट पर सुरसागर क्षेत्र सांप्रदायिक हिंसा की दृष्टि से काफी सेंसिटिव माना जाता है। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनावों में ये सीट किसके हिस्से में आती है। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।